हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं आपके साथ पोहा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नॉर्मली मीडियम साइज़ का पोहा है। एक बहुत पतला पोहा आता है, एक मोटा आता है। ये मीडियम साइज़ का पोहा है। ये हमने एक कटोरी के लगभग, बड़ी कटोरी के लगभग ले लिया है। इसमें कोई, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। इसमें हमने डाल लिया है एक चम्मच छोटा, एक चम्मच घी देसी। अब इसी में डाल देंगे पोहा। इसको हमें रोस्ट करना है। बस इतना कर लेना है, थोड़ा सा कुरकुरा हो जाइए, ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कुरकुरा हो जाइए। देखिए, बस थोड़ी सी इसमें जो नमी थी वो निकल गई। ये देखिए है, ये हाथ से मस लो तो ये टूट रहा है। ये देखिए हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे, थोड़ी देर थोड़ा इसको हम ठंडा करना है। अब एक जार ले लेंगे। ये थोड़े से रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं। ये हमने पहले से रोस्ट करके रखे हुए थे। इनका हमें दरदरा पाउडर बना लेना है, इस तरीके से। ऑप्शनल है, अगर चाहे तो डालिएगा। मेरे पास थोड़े से थे तो हमने डाल दिए, थोड़ा स्वाद ही आ जाएगा इसमें। आपके पास ये ना हो, कोई ड्राई फ्रूट हो वो डालें। अब पोहा भी इसी में डालकर हम पीस लेना है। थोड़ा दरदरा रहेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि फाइन पाउडर इसका हम बनाए। हम एक बार में हमारे जार में नहीं पिसा, तो हमने इसको दो बार में पीसा है। आपका जार बड़ा हो तो आप एक ही बार में पीस लें, फिर जितनी क्वांटिटी आप रखें उस तरीके से। एक बार और इसमें डाल के हम पीस लेंगे। ये देखिए पिस गया है, ये हमारा पोहा तैयार हो गया है। ये देखिए, हमने कहा था एक कटोरी के लगभग। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। एक थाली में हम घी लगाकर तैयार कर लेते हैं पहले से ही। थोड़ा सा इसमें घी लगा लेंगे एक थाली में। फ्रेंड, ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी, कुछ मीठा खाने की इच्छा करे तो इस तरीके से घर में बना के रख लो, घर में ही सामान मिल जाएगा। अब हम आधी कटोरी के करीब इसमें चीनी डाल देते हैं। आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना हो तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें हम। बस चीनी घुल जाए, बस इतना हो जाए, चीनी घुल जाए। अब इसमें डाल देंगे हम इलायची का पाउडर। इसको थोड़ा सा चला देंगे, बस इतना हो जाए कि चीनी घुल जाए। बस कि चीनी हमारी घुल चुकी है, झाग। अब इसमें डाल दी हमने चुटकी भर हल्दी। देखिए, मेरे पास वो फूड कलर था नहीं, तो चुटकी भर हमने हल्दी डाल दी इसमें। ऑप्शनल है, ये मत सोचिएगा महक आएगी। नहीं नहीं महक नहीं आएगी इसमें, बहुत थोड़ी सी हमने डाली। इसका कलर भी नहीं रह जाएगा। अभी देखना आप, पोहा इतना सफ़ेद है, इसका कलर भी उतना नहीं रहेगा। इसको फटाक से फटाफट मिक्सी में मिला लेंगे। और ये हमारा पोहा बहुत मोटा नहीं था, मीडियम साइज़ का था पोहा। तो इसमें जितना भी पानी लग सका उतना हमने लगाया। अगर आप मोटा आपका हो पोहा तो आप थोड़ा और पानी लगा लें, बस इतना लगा लें कि ये कड़ा ना रहे। ये देखिए, एक हलवा टाइप का बन गया है। ठीक है, इसको उसी हम चिकनाई वाली थाली में फैला लेंगे। गरम गरम ही कोशिश करिएगा, जल्दी जल्दी इसको चम्मच से इस तरीके से। देखिए कितना नरम है अभी, फटाफट उसी थाली में हमने दबा दबा कर फैला लिया। और ऊपर से डाल दिया हमने थोड़े से खरबूजे के बीज। इसको थाली में हमें थोड़ा टाइम लगा, हमें इतना जल्दी नहीं हो गया। ये देखिए, इसकी हम फटाफट से अब काट लेंगे पीस। ये देखिए पोहा की झटपट से मिठाई बनकर तैयार होगी। ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता खाने में, ये बहुत टेस्टी लगती है। हल्दी जो हमने डाली, ऑप्शनल है, आप मत डालिएगा, हमारी इच्छा थी तो हमने डाल ली। इसके हम पीस कट कर लेंगे। ये देखिए, घर के ही कुछ सामान से अच्छी खासी मिठाई बन जाती है। खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरीके से सामान बना के फ्रिज में रख लीजिएगा। 2 से 3 दिन इसको रखिएगा, ज़्यादा टाइम इसमें ज़्यादा मत रखिएगा। वैसे अगर 4-5 दिन रख लें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने दूध नहीं डाला, अगर दूध डालें तो 2 से 3 दिन बस। पानी ही डाला था ना, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होगी, दूध डालने पर जल्दी ख़राब हो जाती। अब इसके देखिए, एक एक करके पीस हम अलग कर लेंगे। ये देखिए पीस अलग हो गए हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सारे पीस हम अलग कर लेंगे। एक मिठाई हमारी खाने के लिए तैयार है, आप भी खाइएगा। आइए आप भी खाइए, घर में कोई मेहमान आए फटाफट से मिठाई बना सकते हैं आप। देखिए मिठाई हमारी तैयार है, इसको एक प्लेट में हम लगा लेंगे। देखिए सारे पीस हमने कट कर लिए हैं भैया, जैसे कट कर पाए वैसे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो किसी मोल्ड से कट कर लें। ये देखिए प्लेट में तैयार कर लिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।